रेडी हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा आइए देखते हैं। आज जैसा कि कल मैं बता रखा था आप लोगों को कि आप हम लोग लाइव के माध्यम से भी देखेंगे और अपलोडेड माध्यम से भी देखेंगे तो शुरू करते हैं। कल हमने पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था, आज नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस को देखते हैं। आइए, आई होप आवाज़ आप लोगों के पास जा रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यस या नो करके डाल दीजिए। क्या आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है आपके पास? यस या नो करके डाल दीजिए। जो लाइव है वो रिप्लाई करिए। सेनो में आवाज जा रही है? यस या नो में रिप्लाई करिए, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम जानने जा रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, इसी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आइए शुरू करते हैं सेशन को। इसकी अगर हम इंट्रो की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहता होगा, रहती होगी, या इसी को अगर एक वर्ड में कहें तो का रहा होगा, ऐसे करके आएंगे। एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं, एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो पा रही होगी आपको। फाइन, यहां तक की बातें क्लियर हो पा रही, ठीक है। आइए अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक की बातें आई हो, क्लियर हो पाई होंगी। आइए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, वी एस आई किसके साथ यूज होगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जो नए यूजर्स हैं, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पे नोट में डाल देता हूँ, सेल का जो यूज होगा वह आई एंड वी के साथ होगा, और आई और वी के अतिरिक्त सभी के साथ विल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दे और नेम्स, किसी का भी नाम, जितने भी नाम है उन सभी के साथ विल का यूज होगा। यहां तक की बात क्लियर हो पा रही है? नाउ अब एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे वह खेल रहा होगा, वे गोवा जा रहे होंगे, मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूँगा। फाइन, ये कुछ फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हैं। अब आइए इन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे उस चीज को देखते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हैं? ओके फाइन, देखते हैं, बढ़ते हैं एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करने की ओर। तो वह खेल रहा होगा, तो वह क्या है, क्या हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग। फाइन, वे गोवा जा रहे होंगे, क्या हो जाएगा, दे विल बी गोइंग टू गोवा। फाइन, मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूंगा, क्या हो जाएगा, I shall be teaching you grammar। I shall be teaching you grammar। फाइन, इसे राइट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं कहूं आपसे, पंकज कविता पढ़ रहे होंगे, मैं कहूं आपसे, शीला नृत्य कर रही होगी, मैं कहूं आपसे, आप वीडियो
और वीडियो देख रहे होंगे। आप वीडियो देख रहे होंगे, फाइन। तो आइए अब इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसे ट्रांसलेट करते हैं, पंकज कविता पढ़ रहे होंगे, क्या हो जाएगा? पंकज विल बी रीडिंग पोयम। शीला नृत्य कर रही होगी, क्या हो जाएगा? शीला विल बी डांसिंग। शीला विल बी डांसिंग। आप वीडियो देख रहे होंगे, क्या हो जाएगा? यू विल बी वॉचिंग वीडियो। फाइन। तो यहाँ तक की कहानी को आप राइट डाउन कर लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। राइट, आइए अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? जो विल मैंने लिखा था, सेल या विल प्लस बी लिखा था, इसीलिए लिखा था। उसको हम सेल भी या फिर विल भी राइट कर सकते थे, लेकिन उसको मैंने इसलिए लिखा था ताकि नॉट जब हम उसमें एडजस्ट करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को उसमें डाउट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सारी चीजें किसी के साथ नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। अब देखते हैं एग्जांपल्स को। वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। वे दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँगा। आप कल विद्यालय जा रहे होंगे। राधा बांसुरी विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। इसमें भी अपना काम नहीं कर देंगे और विद्यालय राधा बांसुरी नहीं बजा रही होगी। ठीक, सेंटेंस नंबर वन ये
वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। नंबर टू, वह दफ्तर नहीं जा रहे होंगे वे। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँगा। आपका विद्यालय नहीं जा रहे होंगे। राधा बांसुरी नहीं बजा रही होगी। राइट, इन सेंटेंसेस को पढ़िए, बस खुद से करने की कोशिश करिए। आइए देखें, वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, क्या हो जाएगा? He will not be reading newspaper. Newspaper, वे दफ्तर नहीं जा रहे होंगे, क्या हो जाएगा? They will not, they will not be going to office. Going to office. अगर यही I said not be job, या लिख सकते हैं work. Doing my job या फिर work. Fine. Next one. आपका विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, क्या हो सकता है इसका? क्या हो जाएगा? यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। फाइन, आने वाले कल के लिए टुमारो और बीते हुए पास्ट के कल के लिए यस्टरडे का यूज करते हैं। ये फ्यूचर की बात है, मतलब कि कल जो होगा वो आने वाला कल होगा, तो इसलिए टुमारो का यूज करेंगे। फाइन, नेक्स्ट वन इज राधा बांसुरी नहीं बजा रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? राधा विल नॉट यहां तक आ रही है, यस। राधा विल नॉट क्या? अब बजाने के लिए दो यूज कर सकते हैं, एक तो प्ले करने का मतलब भी बजाना हो जाएगा, या फिर रिंग करने का मतलब भी बजाना हो जाएगा। ठीक है, तो राधा विल नॉट बी रिंगिंग और प्लेइंग द फ्लूट। राधा विल नॉट बी रिंगिंग और प्लेइंग द फ्लूट। मैंने द क्यों लगाया? क्योंकि आर्टिकल द का जो यूज होता है वह किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले होता है। फाइन, टेक योर टाइम प्लीज। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये होते हैं दो। इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप वन में कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो कैसे बनेगा, इसको बनेगा विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे विल या शैल काम किसका कर रहा है? मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, जैसे मैं कहूँ आई शैल बी वर्किंग। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो शैल है, या अगर आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आपको वर्ब पहचाननी होगी तो कौन सी वर्ब होगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वर्क है, वर्क इफ
आई शुड बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है वर्किंग, फाइन। लेकिन ये जो सेल है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर अगर ये मेन वर्ब नहीं होती, अगर ये नहीं होता आई सेल बी या आई सेल गो टू मार्केट, अगर मैं इसको कहूँ आई सेल गो टू मार्केट, तो उस कंडीशन में बाबू, या फिर ऐसे ना करके, तो यहाँ पे क्या मेन वर्ब ये हो जाएगी, फिर ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक। लेकिन जब अगर मेन वर्ब ना हो, बस हेल्पिंग वर्ब हो, सेल या विल हो, या फिर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके अलावा अगर कोई दूसरा वर्ब ना हो, ठीक, तो वे सारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या काम करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं। याद रखें, किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं, ठीक है ना, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे कोई वर्ब तो है नहीं, आपको देख रहा होगा कि बस ये यही वर्ब है, और ये तो होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इस सेंटेंस में एक्चुअली में कोई वर्ब नहीं है, तो उसके अभाव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसका काम करेगी, किसका रोल करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी, फाइन। ये बॉय क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, और किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता है, और क्या करता है, नाउन को क्वालिफाइज करता है, तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये ए जो है ये क्या है, आर्टिकल है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, फाइन। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हो पाए रहे होंगे। फाइन, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप वन। इंट्रोगेटिव टाइप वन तो क्या हो जाएगा, वो विलियस एल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वॉपी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, फाइन। मैं दोनों टाइप वन और टाइप टू दोनों को एक ही साथ लिख देता हूँ इनकी स्ट्रक्चर्स को, और फिर जब एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा। टाइप टू क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड, व्हेन क्वेश्चन वर्ड इज बिटवीन द सेंटेंस, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस विलियसेल प्लस बी, सॉरी सब विलियसेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स को मैं दोनों के एग्जांपल्स को लिखता हूं। जैसे क्या आप दूध पी रहे होंगे, ऐसे कर लो क्या वे क्वेश्चन मार्क, क्या प्रधानमंत्री यूपी आ रहे होंगे, क्या रहीम कविता लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे। ये तो था टाइप वन के एग्जाम्पल्स, आइए टाइप टू के एग्जाम्पल्स को करते हैं। रहीम, मैं इसी को कहूं रहीम कविता क्यों लिख रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। मनोज उसे क्यों मार रहा होगा, ठीक है। मैं आपसे कहने की कोशिश करूं, वह कल कहां जा रहा होगा। इस सेंटेंसेस को एक बार पढ़ने की कोशिश करें, इसमें मैंने इंट्रोगेटिव टाइप वन और टाइप टू दोनों के बारे में लिख दिया, एक बार आप पढ़ने की कोशिश करिए, एक बार सेल्फ पढ़ने की कोशिश करिए।
तो पहला है क्या वे दूध पी रहे होंगे, आइए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सुन, ये जो सेंटेंसेस हैं ये दोनों क्या है, टाइप वन है। और यहां से सेंटेंसेस को देखें तो ये सारे क्या है, टाइप टू, इंटरोगेटिव टाइप टू है। फाइन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखिए बीच क्वेश्चन वर्ड बीच में आया और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया। आइए अब बनाते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने रहा तो बनाते हैं। क्या वे दूध पी रहे होंगे, तो वे है तो विल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल दे, इसके बाद बी, उसके बाद फिर वर्ब की फॉर्म आई एन जी, विल दे बी ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग मिल्क क्वेश्चन मार्क। क्या प्रधानमंत्री यूपी आ रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल द पीएम प्राइम मिनिस्टर, पीएम का मतलब क्या, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, विल द प्राइम मिनिस्टर द क्यों लगाया, क्योंकि किसी पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। विल द पीएम, विल द पीएम बी कमिंग, आना कमिंग कमिंग यूपी, ये कमिंग टू यूपी, कमिंग यूपी, ठीक है। अगर ये होता कल आ रहे होंगे तो कमिंग यूपी टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या रहीम कविता लिख रहे होंगे, क्या हो जाएगा, विल 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 रहीम, विल रहीम बी लिखना, राइटिंग पोयम, फाइन क्वेश्चन मार्क। रहीम कविता क्यों लिख रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, टाइप टू, तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई विल रहीम, वाई विल रहीम राइटिंग, सॉरी बी राइटिंग, बी राइटिंग पोयम, पोयम, फाइन। नेक्स्ट वन, मनोज उसे क्यों मार रहा होगा, पहले क्यों, वाई विल मनोज, मनोज बी बीटिंग हिम क्वेश्चन मार्क उसे, फाइन। अब ये हिम क्यों लगाया, क्योंकि मनोज जो है वो थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ अपना के लिए हिम लगाते, मनोज एक मेल है इसलिए मेल के साथ हिम लगाते। अगर मनोज की जगह पे अगर कोई फीमेल होती, सी होता, तो सी के साथ हम रख के लास्ट में हर ले देते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो पाई होंगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देख रहे होंगे और साथ में राइट डाउन भी कर रहे होंगे। आइए लास्ट वन देखते हैं इस टेंस के, इस टॉपिक का लास्ट सेंटेंस, वह कल कहाँ जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है वेयर, क्वेश्चन वर्ड है वेयर, तो क्या हो जाएगा, वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर विल, अब वह वेयर विल ही बी गोइंग, गोइंग टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लो, फाइन। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो पाए होंगे। नाउ तो अब इस प्रकार से हमने फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंस की पूरे लेक्चर को समझा, शांति के साथ अच्छे से मन से दिमाग से पढ़ा और समझा, घर पे बैठते से प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए मोर प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपने माइंड को शार्प करेंगे, अपने आप को इन्हांस करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, फाइन। तो इन एक्चुअली में छुट्टी का टाइम चल रहा है, घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहिए, ये एक आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है, सुनहरा अवसर हो सकता है कि घर पे बैठ करके लेक्चर के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे पढ़ने के लिए मिल जा रहा है, चीज़ें मिल जा रही है, स्टडी मटेरियल्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे उसका इंजॉय करिए, आप थोड़ा सा खुद में अपने आप को खुद ही जज करने की कोशिश करो कि इससे ज़्यादा टाइम आप खुद सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देते होंगे, लेकिन कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी कर लेना चाहिए। फिर
जब लगे आपको कि हाँ आज मैंने पढ़ाई कर लिया है, आज मैंने पढ़ाई कर रखा है, ठीक, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट जरूरी है, क्योंकि अब हम मशीन तो है नहीं, रोबोट तो है नहीं कि एक बार में जो मेमोरी में अपलोड कर दिएगा वो करते रहेंगे, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं, चार दिन पढ़ने को मन करेगा, पांचवें दिन बिल्कुल नहीं मन करेगा, तो जब ऐसी कंडीशंस भी आए तो उस कंडीशन में भी क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ उठा के रिवाइज करते रहना चाहिए। इन सारी बातों के साथ आपका अपना संजीव कुमार त्रिपाठी फ्रॉम पैराडाइज लाइव क्लासेस के माध्यम से आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपने दोस्तों को और जोड़िए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर।